बताइए मोबाइल आखिर मिल ही गया मैंने हमारी रंग लगी जिस की रात में मुफस्सिल थाने के अंतर्गत ग्राम रानी टोल वहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के तट पर एक हम लोगों को सूचना मिला, गर्दन कटी एक लाश मिली है जिसके आधार पे प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी मृतक के भाई के द्वारा। और इस सूचना पे तुरंत ही एक स्पेशल टीम बनाई गई थी एडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और उस स्पेशल टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए त्वरित 24 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड में शामिल अपराधी को शिनाख्त की गई और उसको गिरफ्तार किया गया है। ये इसका नाम लक्ष्मण कुमार है और ये रात गाँव करारी ये तेघड़ा थाना जिला बेगूसराय का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। ये मृतक के घर में ट्यूशन पढ़ाता था और अनुसंधान के क्रम में हत्या के षड्यंत्र में मृतक की पत्नी की भी संलिप्तता आई है सामने, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अभियुक्त के कन्फेशन पर मृतक का जो मोबाइल है उनको बरामद नहीं हुआ था वो भी बरामद किया गया है, अभियुक्त के ही शिनाख्त उसको बरामद किया गया है। और साथ ही इस हत्या में जो मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी उसको भी बरामद किया गया है बालू से सनी अवस्था में, क्योंकि वो रेत पे जो बालू वगैरह था वो लगा हुआ था। त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो भी घटनाक्रम है तकरीबन हमारा अनुसंधान इस पर पूरा है। और इस पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, बट जो प्राइमा फेसी अभी भी लग रहा है वो इलिसिट रिलेशनशिप की बात आ रही है, क्योंकि हमारा जो भी CDR वगैरह के अवलोकन से यही बात स्पष्ट हो रही है। इसमें मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों चीज़ें बरामद की गई हैं। उसकी भी शिनाख्त किया गया है और शिनाख्त करवा दिया गया है अभियुक्त के द्वारा, और उसको हम लोग कल भी उसमें लगे हुए थे, आज भी एक टीम उस पर लगी हुई है। उम्मीद है कि उसको भी जल्दी हम लोग प्राप्त कर लेंगे।